धौलपुर शहर के कचहरी परिसर में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक वकील के पुत्र व उसके मुंशी के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामले को देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। भरी कचहरी में मुंशी एवं वकील के पुत्र में हाथापाई एवं मारपीट हुई। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंचे वकीलों ने दोनों को समझाइश कर मामले को बमुश्किल शांत कराया। पूरा मामला यूं घटित हुआ कि धौलपुर कचहरी में दिलीप कुमार झा की सीट का मुंशी राजू शराब पीकर आ गया। मुंशी राजू शराब के नशे में धुत होकर दिलीप कुमार झा की कुर्सी पर बैठ गया। जब राजू दिलीप कुमार की कुर्सी पर बैठा था उस वक्त दिलीप कुमार कोर्ट में पेशी पर गए हुए थे। इसी दौरान दिलीप का पुत्र रवि कुमार वहां पहुंचा। मुंशी राजू को शराब के नशे में पिता की कुर्सी पर बैठा देखकर उसे गुस्सा आ गया और उनमें दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर लात घूंसे और थप्पड़ों से जमकर प्रहार किए। अदालत परिसर में मुंशी और दिलीप कुमार के पुत्र से मारपीट होते देख वकीलों और मुवक्किलों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान मामले की खबर दिलीप कुमार को लग गई और दिलीप कुमार ने मौके पर पहुंचकर मुंशी व अपने पुत्र से समझाइश कर मामले को शांत कराया और किसी पक्ष ने पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया है। मामला जीता, मैं नंबर 2 कोर्ट में पेशी लेने गया था। उससे पहले तो मेरे मुंशी और मेरी लड़का रवि में आपस में टूटू में हो गई थी। जब मैं आया बीच थी तो मैंने दोनों को अलग कर दिया।